गर्मियों का सीजन आ चुका है, ठंडी ठंडी चीजें खाना किसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज हम लस्सी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम छह अलग अलग टाइप की फल लस्सी बनाएंगे, इसमें से कुछ यूनिक रेसिपीज है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आइए, सीताफल लस्सी बनाने के लिए ये एक कप हमने दही लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालेंगे, 2 टेबलस्पून सीताफल पल्प है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। सीताफल जैसे मैं सारे फ्रूट्स के पल्प निकाल के रखती हूँ तो मैं साल भर से यूज कर पाती हूँ, सीजन रहा तो भी और नहीं रहा तो भी मुझे इसका यूज होता है। ये 2 हमने आइस क्यूब डाले हैं और 1 चम्मच मैं ये व्हिप क्रीम इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारी लस्सी का टेक्सचर देखिए आप कितना अच्छा आया है, ये देखिए। इसको हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। ये मेरी सीताफल की लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। सीताफल लस्सी के बाद अभी हम स्ट्रॉबेरी की लस्सी दिखाते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इसके लिए ये 1 कप हमने दही लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे, पाउडर शुगर, ये हमने व्हिप क्रीम लिया है, ये 1 टेबलस्पून हम व्हिप क्रीम डालेंगे इसमें। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी क्रश है, मैं सभी फ्रूट्स का क्रश करके रखती हूँ, तो ये स्ट्रॉबेरी का भी मैंने क्यूब्स में करके रखा है, ये 3 क्यूब्स हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये मैं 2 आइस क्यूब्स इसमें डाल लेती हूँ, तो अभी मैं ब्लेंडर में इसे डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लस्सी का टेक्सचर आप देखिए कितना अच्छा आया है। इसे हम कुछ टूटी फूटी के साथ सर्व करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे अगले लस्सी के लिए, जो हम ड्राई फ्रूट्स लस्सी बनाने जा रहे हैं। और रेजिन और डेट्स को हमने इसे पानी में भिगो के लिया है। काजू बादाम को जो हमने रोस्ट किया था उसे हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे पहले। ये रेजिन और डेट्स को जो हमने भिगो के लिया है ये इसमें ऐड करेंगे। पहले इन सब का पेस्ट कर लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें इनमें ऐड करेंगे। अभी जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें मिक्सी में डाल के बाहर किए हैं उसमें हम ये दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम पाउडर शुगर डालेंगे। शुगर आप आपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। आइस क्यूब्स डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लस्सी का टेक्सचर आप देखिए कितना अच्छा आया है। और इसमें हमें कोर्सली ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, मतलब पूरे एकदम बारीक नहीं करने हैं, उनका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसे सर्व करने के लिए हम थोड़ा सा मलाई इसके ऊपर डालेंगे, प्योर पंजाबी स्टाइल हम इसे सर्व करेंगे। ये पाइनएप्पल जिंजर लस्सी है, इसके लिए हमने ये दही को लिया है 1 कप, इसमें हम ये पाइनएप्पल के पीसेस डालेंगे, 1/4 कप मैंने पाइनएप्पल लिया है, ये 1/8 इंच अदरक का पीस हमने लिया है। इसमें आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं या हनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें हनी डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून हनी यूज़ करेंगे हम इसमें। और एकदम थोड़ा हम सिनेमन पाउडर इसमें डालेंगे, आइस लेंगे 2 क्यूब्स।
ये देखिए हमारा पाइनएप्पल जिंजर लस्सी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे हम पाइनएप्पल से सर्व करेंगे। हमारे मैंगो लस्सी बनाने जा रहे हैं, इसके लिए वापस से हमने ये एक कप दही लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे, शक्कर आप आपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ इसके साथ में। और थोड़ा सा मैं मैंगो आइसक्रीम डालती हूँ इसमें। एक दो बूंद हमने इसमें मैंगो का एसेंस डाला है और ये हम बर्फ इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए हमारे मैंगो लस्सी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, ये अभी हम सर्व कर लेते हैं। इसको हम मैंगो आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। अभी हम मोका फ्लेवर लस्सी बनाएंगे, जिसके लिए ये एक कप हमने दही लिया है, 2 टेबलस्पून हम पाउडर शुगर डालेंगे, 1 कोको पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमने कोको पाउडर लिया है, और जितना हमने कोको पाउडर लिया है उतना ही हमने कॉफी लिया है। आइस क्यूब्स डालेंगे 2। अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम थोड़ी सी कॉफी पाउडर के साथ, थोड़े से चॉकलेट के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स ज़रूर लिख के भेजिए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार है।